आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल की हमारी ये पहली क्लास है। तो आप लोगों ने एज ए डेमो तौर पे क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो चलिए हम आपको आज कुछ अलग अलग चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं ताकि एक्सेल को और अच्छे तरीके से आप जानें। ओके सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेल में जो हम रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं उन रिपोर्ट्स को हम पीडीएफ फॉर्म में कैसे निकालेंगे। तो आज की सबसे पहली क्लास की पहली सबसे पहला टॉपिक यह है कि हम अपने एक्सेल को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे, राइट सर। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक पेमेंट स्लिप है और मुझे इसको पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ में इसको सेव एज करना है। राकेश जी आप अपने हेडफोन वेबकैम को ऑफ कर दीजिए। तो देखिए इसको जिस जिस बात है, आप फाइल मेनू बार में आप जाते हैं, फाइल मेनू बार में आपके पास एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, इस पे क्रिएट करते हैं तो आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसको करने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। पहली चीज, आपको इसका प्रिंट देखना होगा, आपका इसका प्रिंट एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका एक पेज पेज पे प्रिंट नहीं है तो ये प्रिंट के अकॉर्डिंग ही पीडीएफ के पेजेस को कन्वर्ट करेगा, प्रिंट के अकॉर्डिंग ही पीडीएफ के पेजेस को क्रिएट करेगा। इसलिए आपके पास ये देखना जरूरी है कि ये एक पेज में है नहीं, अगर है तो आप यहीं पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आपको पहले उसको एक पेज में कन्वर्ट करना होगा। एक पेज में, अब जैसे यहाँ पे देखिए ना कि मेरा पीडीएफ जो कन्वर्ट हो रहा था, ये जो आप ला रहा है फिल्टर एम्प्लॉय डेटा, ये एक पेज में नहीं आ रहा है, आप देखेंगे पेज में नहीं आ रहा है। मैं इसको एक बार प्रिंट व्यू में दिखाता हूँ तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका जो पीडीएफ में नहीं आएगा, आएगा लेकिन दूसरे किसी पेज में आएगा, बट किसी दूसरे पेज में आएगा। तो आपको अभी इसी पे ठीक करना है, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर आपका पीडीएफ में दो पेज बन जाएगा। तो इसको ठीक करने का ऑप्शन है कि पेज लेआउट में जाए और यहां आपके पास जो विड्थ और हाइट है स्केल टू फिट जो ऑटोमेटिक है उसको वन पेज कर दीजिए, तो वन पेज में हो जाएगा। लेकिन मुझे मान लीजिए कि नहीं, मुझे सिर्फ इसी का एक पेज लेना है, बस ओनली फॉर दिस पेज। तो इसके दो तरीके हैं, पहला कि आप सेव एज करते समय, एक्सपोर्ट करते समय, पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप इसके एक पेजेस को लेना चाहते हो। लेकिन मुझे इसको सिर्फ एक पेज चाहिए तो मैं सेलेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ, और इसको यहाँ पे प्रिंट एरिया में सेट टू प्रिंट एरिया कर देता हूँ। अब सेट टू प्रिंट एरिया हो गया तो क्या होगा कि सिर्फ अब ये जो एरिया प्रिंट हमने सेट किया है सिर्फ इसी पे हमारा पीडीएफ सेव होगा। सेव एज में आते हैं और सेव एज में भी कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं, दोनों आपका हो सकता है। बस यहाँ पे नीचे पीडीएफ सेलेक्ट करना होगा, दोनों एक ही होता है, और इसको आप यहां से सेव कर दीजिए पेमेंट वाउचर है जो भी नाम है उस नाम से। अब आप मैं अपना पीडीएफ कॉपी ओपन करता हूं जहां हमने सेव किया, आई थिंक मैंने डाउनलोड में सेव कर दिया।
ये सिर्फ एक पेज हमारा। तो मौलिक पटेल जी, आपको समझ में आ गया कि आप अपने एक्सेल शीट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? राकेश सिंह जी, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बार बार लॉग आउट हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रही है क्या? आप एक मिनट स्टॉप वीडियो कीजिए ना। हाँ, आपका इंटरनेट काफी स्लो है सर। क्लास इंटरनेट ठीक होना, ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक। तो मौलिक पटेल जी, समझ में आ गया आपको कि किस तरह से पीडीएफ को सेव एज करेंगे? ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है, मान लीजिए एक डेटा हम लेते हैं। हम मेरे पास एक डेटा है, यहाँ मान लीजिए डीडी एक फाइल है, मेरा डम फाइल है। अब डम फाइल है तो थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि इस डेटा पे काम करने में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि ये डेटा अनसिक्योर हो सकता है, गलती से कोई डेटा डिलीट हो सकता है या कुछ ऐसा इसमें चेंजिंग हो सकते हैं। तो मुझे इस पर थोड़ी सी डर लग रही है काम करने के लिए, क्योंकि मेरा एक लास्ट डेटा है और बहुत ही ये सिक्योर डेटा है और बहुत ही ज्यादा ये हमारा मतलब खाली मतलब कि काफी ज्यादा हमारा सिक्योर डेटा है। हम नहीं चाहते कि इस डेटा को बार बार ओपन करके इसमें कुछ छेड़छाड़ करें और ना और कोई छेड़छाड़। चलो ठीक है, मैं एक्सेल में जानता हूँ तो मुझे दिक्कत है, लेकिन ये बहुत सारे लोग इसको ओपन कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे लोग इस फाइल को एडिट मोड में खोले और इसमें इस पर काम करें। तो डंप डेटा है उसमें, और क्या है कि आपके 5-7 लोग इस डेटा के लेके इससे रिपोर्ट जनरेट करते हैं और ये डेटा एक कॉमन ड्राइव में पड़ा हुआ है और कॉमन ड्राइव में ये डेटा हर किसी को एक्सेस में आ रहा है, लेकिन ये डेटा काफी आपका इम्पोर्टेंट है। तो अब कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी ने मान लीजिए इसको डिलीट करके और सेव कर दिया तो ये डेटा आपको लॉस हो गया ना। मैं डेटा मैं दूं, लेकिन कोई पर्सन मेरे ओरिजिनल फाइल को छेड़छाड़ ना कर सके, तो हम क्या करेंगे कि उस डेटा और एक अलग फाइल के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देंगे। वो फाइल का डेटा इस फाइल में आगे स्टोर होगा। तो कैसे करेंगे? तो हम डेटा मेनू बार में जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम देंगे वो एक्सेल वर्कबुक। और यहाँ पे अपनी फाइल जो है हमारा, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फाइल में मेरा डेटा है और इसको ओपन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सॉरी। उसके बाद जिस सीट से आपको कनेक्ट करना है उस सीट पे क्लिक कीजिए और यहां पे उसके डेटा आपको यहां पे दिख जाएगा और यहां पे लोड कर दीजिए। लोड हो गया। अभी आप फाइल किसी को दीजिए। अब जैसे वो डेटा, अब मान लीजिए कि मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका प्रॉपर्टी नहीं, मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए था। कनेक्शंस प्रॉपर्टी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आया तो देखिए मेरा ओरिजिनल डेटा जो डीडी है वो तभी ये एक्टिवेट होगा, मतलब डीडी जब चेंज होगा, अपडेट होगा, तो ये मेरा ए डेटा तभी अपडेट होगा जब मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश यहाँ पे वेन द ओपन फाइल, मैंने बोल दिया कि रिफ्रेश वेन द ओपन फाइल मतलब जब भी मेरी फाइल ओपन होगी तो अपने आप को डेटा को अपडेट कर लेंगे। तो ए डेटा उस डेटा से लिंक हो गया मेरा। अब इसमें आप कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो मेरा ओरिजिनल डेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो इससे क्या होगा कि मेरा ओरिजिनल डेटा पूरी तरह से सेफ होगा। क्लियर है सर? तो इस तरह से हम डेटा कनेक्शन करते हैं,
एक्सेल टू एक्सेल, इसमें एक्सेल टू एक्सेल, एसक्यूएल, ओरेकल और भी चीजें होती है, तो ये चीजें हम आपको जब कोर्स आपका स्टार्ट होगा उस समय हम आपको समझाएंगे। अब ये तो हमने दो चीजें आपको एक्सेल में बताई, अब तीसरी चीजें पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसके लिए हम एक एक्सेल फाइल, एक एक्सेल फाइल का एक फोल्डर आपको देते हैं। हमारे पास एक फोल्डर है डेटा का, इसमें क्या है कि मेरे पास पांच फाइलों है, मैं क्या है मेरे पास पांच फाइलें हैं और पांच फाइलों में डेटा है। मुझे क्या करना है, इन डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो मतलब कि कुलेट करना है, मुझे इन डेटा को आपस में कुलेट करना है। कैसे करेंगे कुलेट, इनको कुलेट करने के लिए मतलब कि मुझे वन बाय वन ओपन करना है, जैसे कि अगर मैनुअल करूँ तो सबको एक ओपन करूंगा, पेस्ट करूंगा, एक के नीचे पेस्ट, एक के नीचे ऐसे एक एक करके एक के नीचे पेस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें 10 फाइलें हैं, 5 फाइलें, चलो आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक 200 300 फाइल हुई तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम बीवीएम ऐप को प्रोग्रामिंग के जरिए प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन आपको 2016 और 19 है तो वीवीएम ऐप को प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है। डेटा में कलेक्शंस के अंदर ये होता है आपका फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं और यहां से आप अपने फोल्डर का पास ले लीजिए जिस फोल्डर में आपका डेटा है, एंड ओके कीजिए। अब जैसे ओके करते हैं तो यहां पे आपको सारे फाइलों का लिस्ट दे देगा। अगर आपने लोड पे क्लिक कर दिया तो जो फाइल का लिस्ट है वही आपको आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए इस फाइल का डेटा, इस फाइल के अंदर जो जो डेटा है वो आना चाहिए। तो यहां पे कंबाइन आ रहा है, तो इस पे क्लिक कीजिए, कंबाइन एंड लोड पे चले जाइए, कंबाइन एंड लोड पे चले जाइए और क्लिक किया एंड यहां पे डेटा में गए। अब इसमें देखिए क्या है कि कई सारे फाइल्स का लिस्ट यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे अगर आपको फाइलों में हर फाइल का जो फील्ड है वो आपका सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओके भी क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आप देखिए F1 में हमारा आ रहा है कि जैन फेब मार्च अप्रैल, सही है। F2 में आप देखिएगा इसमें हमारा जैन फेब मार्च अप्रैल है ही नहीं। ऐसे में F5 में देखता हूं तो मेरे पास इसमें मई है, जैन फेब मार्च मई है। तो ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करेंगे कि आपके सिस्टम में अगर पांच सबसे ज्यादा जिस फील्ड में है उस फील्ड को आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और आप ओके कर देंगे। ओके करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और डेटा की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और देखिए इसने पूरे डेटा को मर्ज कर दिया। तो इस तरह से डेटा को आपस में कंबाइन कर सकते हैं या कुलेट कर सकते हैं। समझ में आया मलिक पटेल जी, कोई डाउट इसमें? तो ब्लैंक हो गया, देखिए ना इसमें अप्रैल महीना इसमें नहीं था ना, आपको इस फाइल में नहीं था, ब्लैंक कर दिया इसने ना, फिर भी ब्लैंक कर दिया। अब देखिए बीच में तो नहीं है ना, क्योंकि अप्रैल और मई है ना डेटा मिला। अब इस पे जो है ज्यादा रिसर्च हमने नहीं की है, आप लोग इसको रिसर्च कीजिए, अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है तो हम इस पे और देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे। ओके
चलिए आगे बढ़े। अब इसमें अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल जो हमारे पास आता है, चलिए उसी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि हम डेटा कनेक्ट ही कर रहे थे ना, तो जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे डेटा में हमने गेट डेटा में फ्रॉम फाइल, तो उसी में एक चीज हम छोड़ दिए थे, और चलिए वो चीज आपको समझाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे F5 का डेटा इंपोर्ट किया, तो इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास जैन मार्च अप्रैल मई तक है, लेकिन इसमें यहाँ पे टोटल इसका नहीं है। मैं चाहता इसका टोटल भी ऐड हो जाए तो ठीक रहेगा, ऐसे हम इसके बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो फिर पार्ट ऑफ टेबल नहीं रहेगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, लोड पे क्लिक ना करके हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, तो ये आपको क्यूरी एडिटर, पावर क्यूरी एडिटर पे आपको क्लिक करके दे रहा। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास ऐड कॉलम पे हम जाते हैं, यहां पे कस्टम कलम पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे कॉलम का नाम दे देते हैं टोटल, और इसमें हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं कि मुझे जैन प्लस फैब प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई, और फिर इसको ओके कर दें, टोटल आ गया। अब यहाँ पे फाइल में आते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं क्लोज एंड लोड। यहाँ पे देखिए टोटल का डेटा आ गया, हालांकि टोटल हम यहाँ भी कर सकते थे, भी पार्ट ऑफ टेबल नहीं होता, क्योंकि इसलिए जैसे कि मान लीजिए जरूरी नहीं है कि अब ये हो गया, मान लीजिए मुझे ये डेटा किसी और सीट पे चाहिए, तो दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम जाएंगे और यहाँ कनेक्शन क्यूरी में जाएंगे हम, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे टेबल टू, और व्यू वर्कशीट में क्लिक कीजिए आ जाएगा। तो ये आप एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे, तो बार बार इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, क्लियर सर आपको, मतलब क्लियर जी। तो ये क्यूरी कलेक्शन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं शॉर्टकट लिस्ट की। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि मुझे बार बार शॉर्टकट के लिए पूछते हैं कि सर शॉर्टकट का लिस्ट बता दो, शॉर्टकट का लिस्ट बता दो, या इस ऑप्शन का क्या सॉफ्टवेयर होगा, शॉर्टकट होगा सॉरी। तो देखिए शॉर्टकट में बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि जब से मैं ट्रेनिंग में आया हूँ शॉर्टकट का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं अगर शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पे क्या क्लिक किया। तो ऊपर हेल्प मेनू बार में आपको सर्च दिखेगा, उस पे जाइए और आप शॉर्टकट सर्च करना, शॉर्टकट, और यहाँ पे देखिए शॉर्टकट से 10 रिजल्ट है, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपके शॉर्टकट इन एक्सेल लिखेंगे तो यहां पे आपके बहुत सारे शॉर्टकट कमांड दिख जाएंगे। ये आपके शॉर्टकट्स कमांड है। ठीक है, अभी जो अब इसका प्रिंट आउट बना लीजिए और यूज कीजिए। अब यहां पे देखिए एक और बताया गया है कि अगर जिस चीज के लिए शॉर्टकट नहीं है, तो आप अल्ट की जैसे प्रेस करेंगे तो आपके मेनू बार एक्टिवेट हो जाता है, और मेनू बार पे जो आपके जो ये आ रहे हैं कलर्स, करेक्टर्स आ रहे हैं, ये करेक्टर्स आपके शॉर्टकट्स है। जैसे मैंने एम किया तो ये आपका एन शॉर्टकट हो, एन के अंदर जो आपके इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर जितने फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स का शॉर्टकट आपको दिख रहा है, तो आपको जो यूज करना है वो की यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट के लिए होता है, ये शॉर्टकट का लिस्ट आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई
कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए।